तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आपको लगता है कि यार सबके वीडियो सर्च में आते हैं लेकिन मेरी वीडियो ही क्यों सर्च में नहीं आते। दोस्तों, अक्सर ऐसा नए यूट्यूबर्स के साथ होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके वीडियो सर्च में क्यों नहीं आते हैं। एंड दोस्तों, यदि आपकी वीडियो सर्च में नहीं आते हैं तो क्या रीज़न है, एंड दोस्तों आपके वीडियो सर्च में कैसे आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि जो न्यू यूट्यूबर होता है उनके वीडियो जल्दी सर्च में नहीं आते हैं। बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिनों की मेहनत करने के बाद उनके वीडियो सर्च में आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यदि आप लगभग काम करते जाएंगे एक महीने, दो महीने, तीन महीने तो आपकी वीडियो सर्च में आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो सर्च में लाने का एक तरीका भी होता है। अब दोस्तों, कई लोग तो ऐसे पड़े हुए हैं जिनके आज भी वीडियो सर्च में नहीं आते हैं, उन्हें एक साल, दो साल, तीन साल काम करते हुए हो गया लेकिन फिर भी दोस्तों उनके वीडियो सर्च में आते ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे वीडियो सर्च में आते हैं या नहीं आते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपके वीडियो सर्च में कैसे आएंगे एंड दोस्तों क्या तरीका है वीडियो सर्च में लाने का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही टॉपिक क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों जब मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियो से नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं किसी देर की। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आपकी वीडियो सर्च में क्यों नहीं आते। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि दोस्तों जब मैं यूट्यूब पर आया था तो मेरे भी बहुत दिनों के बाद वीडियो सर्च में आए थे, यानी कि सीधे सीधे कहूं तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करते हैं एंड दोस्तों टाइटल, थंबनेल एंड टैग्स वगैरह सब के बारे में दोस्तों जब मुझे अच्छे से नॉलेज हो गया था उसके बाद ही दोस्तों मेरा वीडियो सर्च में आए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो सर्च में कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसे सर्च में आएंगे मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों, आप लोग देखते हैं जब यूट्यूब पर सर्च करके दोस्तों अपना वीडियो सर्च से ऊपर सर्च में कैसे लाएं, अपना वीडियो रैंक कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो सर्च में आते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों गड़बड़ी यहाँ होती है कि हम लोग सोचते हैं कि यार सबकी वीडियो सर्च में तो आते हैं लेकिन हमारा ही वीडियो सर्च में क्यों नहीं आता है। अब दोस्तों, ऐसी बात नहीं है केवल आपके वीडियो सर्च में नहीं आता। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के समय कि इस पर काफ़ी तादाद में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वीडियो सर्च में नहीं आती। अपनी बताऊँ तो मेरा हर वीडियो सर्च में नहीं आता, और हाँ, मेरा ही नहीं, किसी भी बड़े यूट्यूबर का हर वीडियो सर्च में नहीं आता। यदि उनके 100 वीडियो हैं तो 100 में से 20 ही वीडियो सर्च में आते हैं, बाकी वीडियो उनके कैसे भी जाते हैं बाकी वीडियो में। तो दोस्तों, जब उनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाते हैं, उनके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो जाते हैं तो वो कोई भी वीडियो डाल देते हैं तो उनके व्यूज ऑटोमेटिक आने लगते हैं। लेकिन रही बात सर्च की, दोस्तों हर वीडियो उनका सर्च में नहीं आता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, दोस्तों मैं सिंपली यूट्यूब पर जाता हूँ एंड यूट्यूब पर जाने के बाद मैं अपने एक आध वीडियो सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ होम पर आने के बाद दोस्तों मेरा एक वीडियो है एवरेज ड्यूरेशन के ऊपर जो कि मैंने बना हुआ था लगभग एक साल पहले। तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऑन यूट्यूब। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे ऊपर, तो मैं इसे सर्च करता हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वीडियो सर्च में आ चुका है। आप यहाँ मेरे चैनल का नाम भी देख सकते हैं। ओके, एंड मेरी फ़ोटो तो लगी हुई है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये वाला वीडियो सर्च में आता है। एंड दोस्तों, मैं एक वीडियो और सर्च में आपको सर्च करके बताता हूँ। तो यहाँ करता हूँ मैं ट्रेन में पहली बार सफ़र कैसे करें, मैं लिख लेता हूँ ट्रेन में पहली बार सफ़र कैसे करें। एंड दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे वीडियो ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी मेरे चैनल का नाम आप देख सकते हैं आर के टू टेक, और ये मेरा ही वीडियो दोस्तों। ओके, इस थंबनेल में, यानी कि इस वीडियो के थंबनेल में मैंने अपना फोटो नहीं लगाया है लेकिन आप मेरे चैनल के लोगों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी फोटो है एंड मेरे चैनल का नाम है। ओके, एंड दोस्तों मेरा पूरा नाम है रामकिशन कुशवाहा। और दोस्तों सर्च में भी आते हैं, इसमें व्यूज भी अच्छी खासी आए हैं, लगभग ये वीडियो 5 महीने पहले डाला था, 41 के व्यूज है। ओके, एंड दोस्तों ये वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू डाउनलोड रोबोट 2.0 मूवी इन हिंदी। दोस्तों इसमें मैंने वीडियो को ऊपर बताया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरा वीडियो है। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है आर के टू स्मार्टफोन। दोस्तों मेरा ही चैनल है, ये वाला भी नाम देख सकते हैं यहाँ पर रामकिशन कुशवाहा, और ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है। आपको चाहे तो मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये मेरी फ़ोटो भी है। ओके, तो दोस्तों ऐसे जो है मेरे वीडियो सर्च में आते हैं, और 3-4 वीडियो और हैं दोस्तों जो कि मेरे सर्च में आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि आपको यकीन हो गया होगा कि मैं आपको ऐसे फोकट में ही नहीं बता रहा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने अपने जो है जो मेरे वीडियोज़ हैं कैसे सर्च में आते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हम नहीं कह सकते हैं कि आप यदि टैग डालते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा डालते हैं एंड अच्छा टाइटल डालते हैं, अच्छा थंबनेल लगाते हैं तो ही आपका वीडियो सर्च में आएगा।
बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कहते हैं साफ साफ कि अच्छा टैग डालिए, अच्छा डिस्क्रिप्शन डालिए एंड दोस्तों सब कुछ अच्छा डालिए, उसके बाद आपका वीडियो सर्च में आएगा। दोस्तों मैं ये क्लियर नहीं कहूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, मतलब कि अपनी तरफ से तो पूरा मेहनत किया है, पूरा प्रयास किया है एंड दोस्तों सब कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ क्लियर डाला है, अच्छा डाला है, बड़ा डाला है, ठीक है ना। और दोस्तों कई लोग तो कहते हैं कि आपके जो बॉक्स होते हैं टैग का बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन का बॉक्स टाइटल का बॉक्स इनको पूरा पूरा फिल करना है। दोस्तों मैंने ये भी ट्राई किया है, दोस्तों हर ट्रिक अपनाया है लेकिन फिर भी दोस्तों मेरे कुछ ही वीडियो सर्च में आते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। दोस्तों मैं क्लियर नहीं कह सकता कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन हाँ जो यूट्यूब का नियम है कि आपको डिस्क्रिप्शन अच्छा डालना चाहिए एंड टैग्स अच्छे डालने चाहिए, टाइटल अच्छा डालना चाहिए, ऐसे टाइटल ऐसे डिस्क्रिप्शन ऐसे टैग ढूंढ कर डालना चाहिए जो कि रैंक करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपके चांसेस होते हैं कि आपका वीडियो सर्च में आ जाए, ठीक है ना। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी वीडियो का कंटेंट, जो आपका वीडियो होता है वीडियो के अंदर कंटेंट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। ओके, जो आपका व्यूअर्स होता है आपकी वीडियो को देखता है तो उनको आपका वीडियो पसंद आए, ठीक है ना। तो जब दोस्तों उनको वीडियो आपका पसंद आता है तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक रैंक होने लगता है। दोस्तों उसी के साथ आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड टेक्स्ट सब कुछ अच्छे डाल देने हैं आपकी वीडियो के हिसाब से, जैसा कि डिस्क्रिप्शन टैग एंड टाइटल होना चाहिए। ओके दोस्तों आपको हर प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो YouTube वीडियो को सर्च में लाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो आपको कंप्लीट जरूर करना चाहिए एंड दोस्तों आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए। आपको डेली, यदि आप YouTube पर काम करते हैं तो आपको डेली बेसिस में एक वीडियो डालना चाहिए। ओके दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।